गुड मॉर्निंग बच्चों, मैथ्स की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। मैं अपनी सिक्स क्लास में आपको वेलकम करता हूं। बच्चों, अब तक हमने रोमन नंबर्स के बारे में सीखा। हम लोग जानते हैं कि जब हमारे कंट्री के लोग जीरो जानते थे तो हमारा नंबर कितना कम में लिखा जाता है, लेकिन हम लोगों ने ये एनालाइज किया कि बड़े बड़े इतना ये आप देख लीजिए कि 89 लिखना है तो 89 को भी फिर x, ये l, x, 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 फिर v, फिर 1, v के बाद में ये 9 बनाकर भी फिर 1 एडिट करना, इतना मतलब कहने का मतलब ये कितना बड़ा डिजिट में नंबर होता था। तो हमें अपना कंप्लीट होना चाहिए कि हम इंडियंस एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हैं। पूरे वर्ल्ड में जो हमने जीरो दिया उसी की वजह से आज सारी दुनिया जो है वो काउंटिंग कर सकती है। हमें प्राउड होना चाहिए, हम बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हैं। ओके, तो बच्चों इसी कड़ी में सेल्फ प्रैक्टिस 1M की हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सेल्फ प्रैक्टिस 1M के अंदर कुछ भी खास नहीं है बेटा। बस अब आप लोगों को क्या है, कुछ बस एक्सरसाइज खत्म होने की बात है। मैं पहले क्वेश्चन पर आता हूँ। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है 6 + 2 × 5। ठीक है बच्चों, इसका सलूशन देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाता है। तो अब आप देखिए, एक बोर्ड मास रूल आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा मैं नहीं जानता, एक मैं आपको लिखा था बोर्ड मास रूल। ठीक है, BODMAS बोर्ड मास। कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले बी को सॉल्व करो। बी का मतलब होता है बी और ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट के बाद में डी। बी का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, जो भी चीज डिवाइड हो रही है उसे डिवाइड कीजिए। इसके बाद में एम। एम का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद में के। ए का मतलब होता है एडिशन। ठीक है, और फिर इसके बाद में एस। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसी सीक्वेंस से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो 6 + 2 × 5 यहाँ पर दे रखा है। अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले काम बी फॉर ब्रैकेट। अपन ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तब हमें 2 और 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 × 5 क्या होता है, 2 × 5 = 10। ठीक है, 6 + 10 हो गया और इसके बाद में ये हो गया अपना 16। ये अपना हो गया बेटा आंसर। ठीक है, ओके, एक बार वापस एक्सप्लेन करूं बोर्ड पास के रूल को। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पहले ब्रैकेट को हटाने का प्रयास करो, उसके बाद डिवाइड करो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो। ये इसका प्रोसेस है, ये चरण रहता है, स्टेप रहती है। ठीक है, यहाँ पर पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, 2 × 5 किया, 10 आ गया, 10 और 6 = 16। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, 3 + 6 + 8। 3 + 6 + 8 बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों। प्लस में वैसे ब्रैकेट का महत्व नहीं है, खैर अपन ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए 6 और 8 कितना होता है 14। ठीक है, तो 3 और 14 हो गया 17। ये आपका हो गया, यहाँ तक नोट कर लीजिए, अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा गया बच्चों, 18 - 3 + 7। ठीक है, पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो ब्रैकेट को सॉल्व करते कैसे, ये तो एडिशन है, 3 और 7 कितना होता है 10 होता है सिंगल, ठीक है। और अब ब्रैकेट भी हट जाएगा, ब्रैकेट में मीनिंग नहीं है, अंदर प्लस है माइनस प्लस माइनस ही होता है, 18 माइनस 10 कितना होता है 8, ये हो गया बेटा आपका आंसर। एक बार वापस से आपको मैं समझा देता हूँ, 18 माइनस ब्रैकेट में 3 प्लस 7, ब्रैकेट को पहले हमने सॉल्व कर लेते हैं, 3 प्लस 7 हो गया 10, ब्रैकेट को ओपन कीजिए, अंदर प्लस है माइनस प्लस माइनस, तो ये 18 माइनस 10 हो गया, और 18 माइनस 10 करेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। नाउ देखिए क्वेश्चन का टाइम पीछे रहिएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, 7 नंबर देखिएगा, 27 माइनस 6 इंटू 4, 27 माइनस 6 इंटू 4, चलिए देखते हैं। तो बच्चों कुछ भी स्पेशल नहीं है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 27 माइनस 6 4 था 24 आ गया, और ब्रैकेट खोलने का प्रोसीजर अपना वही है, माइनस प्लस माइनस 24, 27 माइनस 24 इक्वल टू 3, ये इसका हो गया आंसर। यहाँ पे नोट लीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद में लाइन की लीजिएगा, मैं ब्लैक बोर्ड पर करता हूँ, मीनवाइल आप लोग क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 35 माइनस 15, ठीक है, और इसके बाद में हमें डिवाइड करना है 4 से, 35 माइनस 15 ब्रैकेट में, और हमें डिवाइड करना है इसे 4 से, तो हम पहले इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहले ब्रैकेट में जो नंबर्स दे रखे हैं इन्हें हम सॉल्व करते हैं, 35 माइनस 15 कितना हो जाएगा 20 होगा, ठीक है। अब ब्रैकेट को हटा देते हैं, बाहर प्लस है, ठीक है, अंदर प्लस 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 होता है, तो 20 अपॉन 4 कर लीजिए, और 20 अपॉन 4 इक्वल टू 5, 4 5 सर, ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, मैंने आपको 1 3 5 7 9 5 क्वेश्चन निकाल दिए, 5 आपको सेट कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसके साथ में अपने जितनी भी एक्सरसाइजेज है चैप्टर 1 की वो सारी की सारी कंप्लीट होती है, और आपको ये काम अपनी नोटबुक में करना है। अब बच्चों थोड़े से एमसीक्यू हैं, एमसीक्यूज जो है वो क्वेश्चन आपको मैं बुक में ही करवाता हूँ, ठीक है। हाँ बस एक रफ कॉपी आप जरूर रखिए, ठीक है, तो आप अपनी अपनी जो बुक है वो निकाल दीजिए, पेन से ले लीजिए, एक रफ कॉपी साथ में लीजिए, ठीक है बच्चों। अब अपन एमसीक्यू करते हैं, मैं ब्लैक बोर्ड पर रफ करता हूँ, ब्लैक बोर्ड वाला काम आप क्लास वर्क में लिख दीजिए, और लाइन खींच के फिर अपनी बुक निकाल करना और रफ में काम करना शुरू कीजिए। ओके बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने रफ कॉपी निकाल दी होगी, तो पेज नंबर 35 पर आ जाइए, एक पेंसिल ले लीजिए बुक पे लिखने के लिए, और रफ कॉपी में भी आप लोगों को काम करना है, ठीक है, वो रफ ही रहेगा, मैं चेक भी करूँगा आप के समझने के लिए, ठीक है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन दे रखा है विच नंबर इज द ग्रेटेस्ट। अब हमारे पास में 4 नंबर्स दे रखे हैं, हमें पहचान करनी है कि इन नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा होगा, ठीक है बच्चों। तो अपना वैसे तरीका एक ही था, फटाफट से अपन लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं, हालांकि प्लीज वैल्यू चार्ट बनाओ, पर थोड़ा टाइम कम है इसलिए जल्दी में एक बार एक डिजिट आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 6 6 6 सब में 6 डिजिट ही है, अपन 6 डिजिट का एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, और उस बॉक्स के अकॉर्डिंगली
फोर डिजिट आ सके इस हिसाब से कर लेते हैं और थोड़ा सा जल्दी अपना काम हो जाए। अपने क्या बच्चों के क्वेश्चन जो कम नंबर का होता है नेगेटिव नंबर का, तो आप लोगों को क्या है कि उसको थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाए, तो इसलिए बॉक्स बनाना ठीक रहता है। फटाफट से इसमें सारे नंबर भर दीजिए, जल्दी से ये सारे नंबर भर दीजिए। मैंने पहले काउंट कर ली थी, हालांकि नंबर राइट से लिखने चाहिए, पर थोड़ा सा क्या है कि नंबर जो बराबर है थोड़ा अपना टाइम भी कम लगे, इस हिसाब से मैं इसको लेफ्ट से लिखना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। पर कभी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन करें ना बेटा, तो और बड़ा क्वेश्चन हो तो आप पीछे से लिखना, रीजन ये होता है कि हमसे गड़बड़ी हो सकती है, खास करके उस समय जब नंबर की जो डिजिट्स होती है कोई 5 का हो कोई 4 का हो कोई 6 का हो, अलग अलग डिजिट के जब नंबर होते हैं तो उस समय गलती हो सकती है। एक बार नंबर चेक कर लेते हैं, नंबर लिखने में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। अब इसके बाद में कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, सबसे बड़ा नंबर निकालना है, यहाँ तो बेटा सारा का सारा बराबर है, सारे 6-6 है, मतलब नहीं। अब इसमें से देखते हैं कि कौन सा बड़ा है, अब इसमें से देखेंगे तो आप देखेंगे ये वाला नंबर बड़ा है, बाकी सारे बहुत अलग ही पाएंगे। तो पहले का जो आंसर है वो आपका हो गया डी, ठीक है। फर्स्ट का आंसर डी पे आप टिक कर दीजिए, ठीक है बच्चों। अब अपन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ता हूँ। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी डिजिट ट्वाइस फ्रॉम डिजिट्स 4, 8, 1, 7 and 3 इज, ठीक है बच्चों। तो हमें 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है, और यूजिंग एनी डिजिट ट्वाइस फ्रॉम डिजिट्स 4, 8, 1, 7 and 3। अब ये कुछ हमें डिजिट्स दे रखी है और उनमें से किसी एक डिजिट को आप ट्वाइस कर दो और 4 डिजिट का नंबर बना दो जो कि सबसे बड़ा हो सकता है। थोड़ा कंफ्यूज करता है क्योंकि यहाँ पर जो डिजिट्स दे रखी है वे 5 है, ठीक है, पर अगर 4 डिजिट बनाना है तो जो बड़े से बड़ा नंबर इन 5 डिजिट का बन सकता है वो ही अपन बनाएंगे और किसी भी एक नंबर डिजिट को अपन ट्वाइस भी कर देंगे। तो हमारे पास क्या दिया है 4, 8, 1, 7, 3, ठीक है, 4, 8, 1, 7 और 3। तो हमें बनाना है लार्जेस्ट नंबर। बच्चों लार्जेस्ट नंबर बनाने का एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ आपके, अब सब्जेक्टिव में भी लार्जेस्ट नंबर बनाने का तरीका है ना, तभी उसी मेथड पे आ जाओ, बड़ा नहीं करना, ठीक है। मैंने जो पहले आपको पढ़ाया था वो काफ़ी बड़ा लेंथी मेथड है, उसे मत कीजिए, आप इसी को कीजिए, ठीक है। अब मैं जो सीखा रहा हूँ आप जिस बार जो काम है वो फेर करो, मैं भी डाउनलोड कर लो तो दिक्कत नहीं है, और उसी मेथड को आपको यूज करना है। अब एक चीज़ बताओ, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, हम क्या करेंगे, कभी भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आता है कि इसको अपन बनाओ लार्जेस्ट नंबर या इसको स्मॉलेस्ट बनाओ, अगर स्मॉलेस्ट है तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, बस आपका सॉल्यूशन हो गया, और अगर आपको लार्जेस्ट बनाना है तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए, बस आपका काम खत्म हो गया। तो बच्चों इसमें सबसे बड़ा नंबर है 8, अब एक नंबर को ट्वाइस भी करना है तो इसी को बड़ा कर दीजिए, 8 बढ़ाएगा तभी अपना काम होगा, और इससे छोटा 7, 7 से छोटा यहाँ पर 4 डिजिट बनाना है, तो इसका आंसर आएगा 8874, ठीक है। और ये आपका कौन सा पार्ट है बेटा, डी, ठीक है। तो इसका सेकंड का जो आंसर है वो होगा आपका डी, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने से आपको लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा जो नंबर हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर 7 लेक 9005, इंडियन सिस्टम है, आप तुरंत एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना दो, अब जल्दी बना देंगे इसको, हमने तो काफ़ी इसकी प्रैक्टिस की भी है, 1, 10, 100, 1000, 10000, ठीक है, 1, 10, 100, 1000, 10000, और इसके बाद में है लेक,
तो ये क्या है बच्चा, सेवन लेग, सेवन लेग में सेवन कर दिया। इसके बाद में है 9005, 9000 मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, 10,000 नहीं है, नहीं तो 19 होता या 90 होता, तो इसे अपन जीरो कर देते और 9000। और इसके बाद में क्या है बेटा, 5 मतलब वंस, तो ये सब आप जीरो कर दीजिए, तो आपका डिजिट क्या होगा बेटा, 7,8,9,005। ठीक है, ये आपका दे रखा है सी। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी। नोट कर लीजिए रफ में और आपकी जो बुक है उसमें आप पेंसिल से टिक कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स इज। ठीक है, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर का जो एडिशन है वो क्या है बच्चों, बड़ा 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9999। ठीक है, 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर होगा, और स्मॉलेस्ट नंबर 1000, ये स्मॉलेस्ट नंबर ऐड कर दो बच्चों, क्या आता है। ठीक है बच्चों, 1,8,9,999, तो बच्चों ये आपका आ गया है आपका सी। तो आपका फोर्थ का भी आंसर है वो होगा आपका सी। ठीक है बच्चों, याद कर लीजिए, अब मैं ब्लैक बोर्ड को रफ करता हूँ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स बिगनिंग विथ 4 एंड एंडिंग विथ 7 विल बी। एक स्मॉलेस्ट नंबर है 5 डिजिट का जिसकी शुरुआत होती है, 5 डिजिट का नंबर है ना, एक बॉक्स बना लिया 1 2 3, ये 5 डिजिट का हो गया। ठीक है, शुरुआत होती है इसकी बेटा 4 से और एंडिंग होती है इसकी 7 से। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 0 0 डालो तो सब में ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया सी। ठीक है बेटा, फिफ्थ आंसर हो गया सी। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। ठीक है, कभी भी कुछ एस्टिमेट करना तो बॉक्स बनाइए, तो सबसे बढ़िया बॉक्स बनाएंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो आसान रहेगा, आगे भी इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 8 and 5 इन द नंबर 3,28,456। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास में एक नंबर दे रखा है 3,28,456। तो ये कह रहा है कि इसकी जो प्लेस वैल्यू है 8 और 5 की प्लेस वैल्यू में जो डिफरेंस कितना है, तो कुछ नहीं बेटा हमारे पास में इसमें 8 का प्लेस वैल्यू निकाल दो और दूसरा 5 का प्लेस वैल्यू निकाल दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, बड़ा आसान है बच्चों। 8 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 8 1 2 3 0 0 0। ठीक है, 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, 50। कितना 0 में से 0 है 0, 0 में से 5 ज्यादा नहीं, एक यहाँ से बोरो ले लिया तो 10 हो गया, 10 माइनस 5 बचा, फिर यहाँ पे 9 बचा क्योंकि 1 तो पहले, यहाँ से मुझे 1 लेना पड़ेगा, 0 का आपका नहीं है, यहाँ बन गया ये 10 हो गया, 10 मैंने इसको दे दिया तो 9 बचा, 9 यहाँ पे ले लिया और ये 7 हो गया, तो 7950। ठीक है, 7950 ये आपका इसका आंसर है डी। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिए बच्चों, मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। अब इसके बाद में अपन लोग अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है क्वेश्चन बच्चों अपना 7। ठीक है, 7 क्वेश्चन क्या है, सी डी एल एम, इनको आप इस तरह से देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा उससे छोटा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, ये सिंबल जो होता है ना बच्चों इस तरह से जो आता है सीक्वेंस, ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, इस तरह से आता है, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसा है। ठीक है,
आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आप खुद ही आइडेंटिफाई ये चीज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अपन देखते हैं बच्चों की क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार से है। हमारे पास में क्या दे रखा है, सी डी एल एम, सी डी एल एम, सी मतलब 100, डी मतलब 500, एल मतलब 50 और एम मतलब 1000। ठीक है, अब बताओ मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखूंगा। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 1000 से छोटा 500, 500 से छोटा 100 और 100 से छोटा 50। अभी तक तो 1000 का नोट बंद हो गया है, ठीक है 500 का चलता है। सबसे बड़ा नोट कौन सा था, 1000 का, 1000 से छोटा 500 का, 500 से छोटा 100 का, 100 से छोटा 50 का। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब 1000 को क्या कहते हैं, एम, 500 डी, 100 सी, 50 एल। तो ये अपना जो सीक्वेंस है डिसेंडिंग ऑर्डर का वो होगा ये एम डी सी एल, एम डी सी एल इसका सी वाला पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 का जो आंसर है वो इसका सी वाला पार्ट है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं और अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 पर आता हूँ। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 23 आइटम्स एट द रेट ऑफ 364 ईच इज। हमारे पास में 23 आइटम्स है और एक आइटम की कीमत है 364, तो 23 को 364 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इसका आंसर आ जाएगा। तो 364 हो गया, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 23 से। ठीक है, मैंने ये गलत तो नहीं लिखी, चलो ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 12, 1 कैरी कर देना, 6 3 12, 12 और 1 13 का 3, एक 1 कैरी आ गया, 3 3 9 और 1 10। इसके बाद में 4 2 8, 6 2 12, 1 ऊपर है, 3 2 6 7, तो ये आता है 2। अच्छा एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ओके ओके, ये उस हिसाब से करना है, सॉरी सॉरी, अपने जो आपको मैंने राउंड ऑफ में सॉल्व करना बताया था ना, उस तरीके से इसको करना है। ठीक है, ये तो मैंने जनरल सिंपलीफिकेशन कर दिया। तो बच्चों राउंड फिगर में कैसे करते हैं, ये क्या निकालना है, 23 × 364। अब राउंड फिगर में 23 को क्या लिखेंगे, ये जो 3 है, 23 का जो 3 है इसे बना दीजिए 0 और ये 5 से कम है, बिलो 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 20। और इसी तरीके से जो 364 है इसमें से इन टू डिजिट्स को अपन कर देते हैं 0, इन टू डिजिट्स को आपने 0 कर दिया और ये नंबर आपका अबव 5 है। जब ये अबव 5 है तो क्या होगा बेटा, इस 3 को आप कर दीजिए 4, तो ये हो जाएगा आपका 400 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 400 को अपन 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 2 8 और 1 2 3, 3 0 लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 8000। वो देखो मेरी गलती क्या रही थी, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग, तो लगभग वैसे नहीं 8000। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर है 8000। इसमें आ रहा है बेटा सी वाला पार्ट। ठीक है, तो इसमें सी वाला भी है, ओके चलो मैं ब्लैक बोर्ड रफ कर लेता हूँ, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ठीक है, एस्टिमेट आती है, आप राउंड फिगर में आपको निकालना है। ये है क्वेश्चन है बेटा, विच नंबर इज द बेस्ट एस्टिमेट फॉर 819 प्लस 279। ठीक है, 819 और दूसरा नंबर हमारे पास में दे रखा है बेटा 279। बच्चों अब देखिए एक बात बताना चाहूंगा, दोनों के दोनों जो नंबर है वो आपके 3 डिजिट्स के हैं। ठीक है, तो अपने को इनका राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 100 करना है, राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 100, तो लास्ट के टू डिजिट्स को अपन बनाएंगे 0। ठीक है, और ये आपका बिलो 5 है तो
ये आपका सीधे से जो रहेगा ना बेटा वो रहेगा 800। अब इसके बाद में दूसरा नंबर है 279। इसमें आप देखिएगा इन टू डिजिट्स को मुझे बनाना है जीरो, ठीक है। और ये आपका फाइव से ज्यादा है, फाइव से ज्यादा हो या फाइव के बराबर हो, हमें इसकी जो पहले जो नंबर आ रहा है ना उसको हमें वन इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा बेटा आपका 300। तो सिंपल 800 और 300 को आप ऐड कर दीजिए, कितना आता है 007 and 8 15, 1500 इसका आंसर आएगा। तो बच्चों 1500 नहीं आ रहा है। अच्छा बेस्ट एस्टिमेट इसमें से ओके, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने शायद लिखा की गलती कर दी, मैंने यहाँ पे 700 कर दिया, सॉरी। ये आपका हो गया, मैंने कहा ना डिजिट लिखने में गलती होती है तो आगे से आगे मुझे गलत हो जाता है, मेरे से भी गलती हो जाती है, इसलिए आपसे भी ये बात बार बार मैं कहता हूँ। ये 300 था, मैंने आपके 700 कर दिया था, ठीक है। तो 8 and 3 हो गया 11, तो इसका आंसर हो गया 1100, ठीक है बी। तो बैंक का आपका आंसर है बी, ठीक है बेटा, कर दीजिए बी पे टिक कर दीजिए। अब अपन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अब इसके बाद में अपन लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, विच एक्सप्रेशन विल गिव यू ए मेंटल एस्टिमेट ऑफ द क्वेश्चन 338 अपॉन 24। बच्चों देखें इस तरीके से जो क्वेश्चन किए जाते हैं ना, तो इसमें कोई रूल नहीं है, जो डिवाइड पूरा पूरा होता है ना उसके हिसाब से मैं राउंड फिगर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये नंबर पे चेक कर लेता हूँ, गलती तो नहीं हुई मेरे से, चलो ठीक है। अब अपन सबसे पहले जो 338 है ना, इसको सोचिए ये तो 24 है, 24 का तो 20 ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अपन इसमें से आप देखिए कि हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो अब इसमें जैसे 340, देखो दो तरीका है, अगर मैं इन दोनों को राउंड फिगर में लेकर के करता हूँ तो मुझे मिलेगा 300, और 300 में अगर मैं डिवाइड करता हूँ 20 से बराबर चला जाएगा, ठीक है। तो अपने राउंड फिगर में अपन इसका पूरा वैल्यू निकाल देते हैं, तो देखिए क्या आता है, 338 है, इसमें से इन दो डिजिट को मैं जीरो कर देता हूँ, जब मैं दो को जीरो कर देता हूँ तो ये मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, ये आपका बिलो फाइव है, ये बिलो फाइव है तो ये ऐसे रहेगा, ये आपका बन जाएगा 300, ठीक है। और 300 होने के बाद फिर ये जो 24 है, इस 24 में जो 4 है ये आपका हमें जीरो करना है, और दूसरी बात की जो 4 है ये आपका 5 से छोटा है, तो ये जब 5 से छोटा है तो ये बन गया आपका 20, और 300 अपन 20 कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा 15। कैसा आएगा, 300 अपन 20 कर देते हैं, दोनों के दोनों 10 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों 10 से डिवाइड हो सकते हैं, जब दोनों के दोनों 10 से डिवाइड अगर हो जाते हैं तो फिर क्या बचेगा, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 2 और ये 15 है, तो 15 इसका आंसर है, ठीक है। तो बच्चों अच्छा इसमें खाली एक्सप्रेशन बताया, तो मैं इसका आंसर है इसका डी, ठीक है डी इसका आंसर है, ओके 10 का डी। लास्ट आप क्वेश्चन 11 पर चलते हैं, आप टिक कर दीजिए बुक में, मैं नंबर को रफ कर देता हूँ। तो बच्चों अपन इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 को देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या रहता है, द टेबल शोज द एरिया ऑफ 5 कंट्रीज इन स्क्वायर किलोमीटर, विच लिस्ट शोज द कंट्रीज इन ऑर्डर बाय साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर, सिंपल है बेटा,
तो अपन ने एरिया दे रखा है ना, इस एरिया को अपन क्या करते हैं, एक बॉक्स में अपन अरेंज कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो बॉक्स में अरेंज करने से पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। 85 लाख 15,000, ठीक है, 1 करोड़ का रशिया का दे रखा है। ओके चलो ठीक है, तो 1,10,000, 10,000 लेख 10 लेख। ठीक है, बस हमें खाली वो नंबर लिखने हैं, इतना लिखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ज़्यादा मार्क्स इसके नहीं होते, अपन उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, और अब राइट साइड से लिखना क्योंकि डिजिट्स बदल गए हैं, तुरंत कर लेते हैं। 7 6 4 8 9 0 7 1 8 6 4 6 2 5 9। एक बार नंबर वापस से कंपेयर कर लेते हैं, कुछ हमारे लिखने में मेरे लिखने में आपके नहीं कह रहा हूँ, मेरे लिखने में कुछ गड़बड़ी नहीं हो गई हो, हालांकि आपको भी चेक कर लेना चाहिए इस तरीके से। यहाँ पे गड़बड़ मैंने की है, 5 लाइन है, 9 5 थोड़ा क्या स्पीड से नहीं कर रहा हूँ, मैंने सोचा एम सी क्यू से ज़्यादा देख सकते हैं, ट्राई नहीं करता, बाकी गड़बड़ी भी नहीं करता मैं। ओके 9 8 6 4 6 9 5 2 6 4 6 8। ओके अब सबसे छोटा नंबर मुझे निकालना है। देखिए ये तो सबसे बड़ा है, अभी इसको सबसे बाद में आएगा, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 8। ठीक है, तो आपका निकलना हो गया ये वाला, 8 से बड़ा कौन सा है, 8 से बड़ा 993 नंबर से। अब आगे इनका कंपैरिजन करते हैं, आगे कौन छोटा है, अब ये दोनों छोटे ही हैं, इनका और कम क्योंकि दोनों 5 है, आगे कंपैरिजन करते हैं। अब कंपैरिजन किया तो ये उससे छोटा निकला, तो नंबर 2 पे ये वाला रख देते हैं और नंबर 3 पे ये वाला अपन रख देते हैं। ठीक है, नंबर 4 पे ये वाला आ जाएगा और ये सबसे बड़ा जो है नंबर 5 पे रख देते हैं। ठीक है, बस इसी हिसाब से अपन कंट्रीज के नाम अपन अरेंज कर देते हैं। सबसे नंबर 1 पर कौन सा है, ये है ब्राजील सबसे छोटा एरिया। ठीक है, ब्राजील के बाद में नंबर 2 पर सबसे लास्ट में किसका था, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस में शॉर्ट में कर देता हूँ। ठीक है, यूएस, और इसके बाद में नंबर 3 में लेता हूँ चाइना। ठीक है, छोटे से बड़ा दबा। ओके, चाइना के बाद में नंबर 4 पे कर देते हैं कनाडा। ठीक है, ये उससे भी बड़ा हो गया, और नंबर 5 इसके बाद में सबसे लास्ट में तो ये आपका है रशिया। ये आपका सीक्वेंस रहेगा, ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, कनाडा और रशिया। ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट्स, फिर चाइना, फिर कनाडा, फिर रशिया, तो इसका आंसर है सी। ठीक है बच्चों, इस तरह से अपने एमसीक्यूज यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और बच्चों इसके बाद में अब आपके ये टेस्ट वाला पोर्शन है, एक मेंटल मैथ्स है, आप इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। अब आपको आज की डेट का होमवर्क मैं बता देता हूँ, ठीक है, आप बुक मीटिंग कर दीजिए, मैं आपको आज का होमवर्क लिखवा देता हूँ। ओके बच्चों, आज का होमवर्क है सेल्फ प्रैक्टिस में मैं जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराया वे सारे के सारे आपको अपने घर से करके लाने, मैंने 5 करा दिए थे लास्ट के 5, बाकी के 5 आपको अपने आप करने हैं। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपकी सेल्फ प्रैक्टिस 1 कंप्लीट होती है।
एमसीक्यू मैंने करा दी, बाकी आप अपनी तरफ से और क्वेश्चन करना, ठीक है। और इसी के साथ अपना पहला चैप्टर कंप्लीट होता है और साथ ही साथ आज की क्लास भी अपनी कंप्लीट होती है। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे अहेड।